नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। बिहार के दो शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ चयन। बिहार के दो शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक बोर्ड ने इस बारे में शिक्षकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बिहार के दो शिक्षकों को 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस सूची में सारण जिले के मिडिल स्कूल चैनपुर के प्रधान शिक्षक अखिलेश पाठक को शिक्षक सम्मान की मुख्य सूची में स्थान दी गई है। इसके साथ ही विशेष श्रेणी में सम्मान के लिए बिहार के संत कुमार सैनी को भी चयन किया गया है। इसके साथ ही संत कुमार सैनी हाई स्कूल कमराली बीरपुर जिला बेगूसराय में प्रधान शिक्षक है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने बीते दिन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित 47 शिक्षकों की सूची जारी कर दी थी, जिसमें बिहार के भी शिक्षकों का नाम शामिल था। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए चयनित शिक्षकों को ईमेल के जरिए सेलेक्ट होने की जानकारी दे दी गई है। हालांकि बिहार की तरफ से कुल 6 शिक्षकों के नाम समिति को भेजे गए थे, जिसमें से 2 का चयन किया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बिहार और देशवासियों को बधाई दी है और साथ ही शुभकामनाएं भी दी है, जिसके तहत राज्यपाल फागू चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कामना करता हूं कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना से बिहार वासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का समावेश हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवान के आशीर्वाद से राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की शुद्धता बनी रहे। राज्यपाल ने इस पर्व को आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाने की मंगल कामना भी की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, बिहार में भी गणेश चतुर्थी मनाने का ख्याल रखें और साथ ही घर में ही रहने की कोशिश करें। मौसम विभाग ने 24 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की जताई संभावना। बिहार में बारिश ने परेशानी बढ़ाने का सिलसिला कायम है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम में मानसून के सक्रिय होने के बाद बिहार में फिर से बारिश की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। बीते कई दिनों से भी बिहार के कई जिलों में मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने इसके लिए सतर्कता जारी कर दी है। 24 और 25 अगस्त को बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार गंगा किनारे वाले इलाके में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि 24 और 25 अगस्त को मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के बीच से गुजरेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में 22 अगस्त को एक चक्रवाती सिस्टम बनता देखा जा रहा है, जो 23 अगस्त तक काफी सक्रिय रहेगा और यही कारण है कि अच्छी बारिश होने के आसार है। जांच के नाम पर पैसे लेते एएसआई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है ट्रेंड। अक्सर पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे की वसूली को लेकर उनके वर्दी पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं कई बार ऐसे सबूत भी सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा जांच के नाम पर जबरदस्ती वसूली करते देखा गया है। ऐसा ही वाक्य बागहा में देखने को मिला है, जहां पर एक एएसआई का वसूली करते हुए वीडियो सामने आया है। उसके बाद एसपी ने जांच का आदेश दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बथवरिया थाने में एक एएसआई पर वाहन जांच के नाम पर पैसे की वसूली कर रहा था। ऐसे में यह हरकत कैमरे में कैप्चर हो गई। कांच के नाम पर एएसआई राकेश सिंह ने 10,000 का डिमांड भी किया, लेकिन 2,000 का मामला सेट हो गया। शख्स ने उनसे कहा कि उनके पास 1500 रुपए बाकी पैसे वो दुकान में चल कर ले ले, जहां पर पहुंचने के बाद 500 रुपए लेने के दौरान एएसआई की यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चाबी वाले ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर 14 जून को हुए वाकया का किया खुलासा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के मामले में हर दिन नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं, और जब से जांच सीबीआई के हाथों में सौंपी गई है, तब से कई बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा शायद नहीं है। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर 14 जून को सुशांत के फ्लैट पर ऐसा क्या हुआ था। सीबीआई जांच के बाद सुशांत सिंह राजपूत के कमरे के दरवाजे का लॉक खोलने वाले चाबी वाले ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रफीक शेख ने बताया है कि 14 जून को सिद्धार्थ पिठानी के फोन करने पर वो सुशांत के फ्लैट पर पहुंचे थे। उसने देखा कि दरवाजे पर कंप्यूटराइज्ड की वाला लॉक लगा हुआ है। उसी वक्त वहां पर 4 लोग मौजूद थे। ताला तोड़ने के बाद उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया गया था। तब तक उसे उस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही लॉक टूटा, मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। महाराष्ट्र के मंत्री ने गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के अगले गृहमंत्री बनाने की कही बात। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस एक दूसरे के आमने सामने है। वहीं राजनीति भी इस मुद्दे पर जोर शोर से हो रही है। लगातार राजनीतिक बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में अब हाउसिंग मंत्री जितेंद्र अवहाद ने भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में खासकर की बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राज्य की नई सरकार में गृहमंत्री होंगे। मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अगर फिर से वापसी करते हैं तो बिहार के डीजीपी राज्य के निश्चित ही कई मंत्रियों से, यहां तक कि सत्तारूढ़ शिवसेना ने भी पुलिस अधिकारियों पर निशाना साधा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके चेहरे पर असीमानंद को देखा जा सकता था। बिहार में गंगा लाल निशान के बढ़ी ऊपर। बिहार में गंगा को छोड़कर अन्य प्रमुख नदियों के जलस्तर में हो रही कमी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में अब सुधार है। वहीं इसी बीच गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए कई इलाकों में बाढ़ की आशंका एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है। राज्य में वर्तमान समय में 16 जिले में 81.79 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। वहीं बाढ़ से अब तक 27 लोगों की जान
बाढ़ आ चुकी है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बागमती, बूढ़ी गंडक सहित कई नदियों के जलस्तर में कमी के कारण उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि कई नदियां अभी भी कुछ स्थान पर लाल निशान के ऊपर बह रही है। इसी के साथ गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है। शुक्रवार की सुबह पटना के गांधी घाट और हाथीदह में भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान के ऊपर बह रही थी। पटना द्वारा इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन कई स्थान पर यह लाल निशान के अभी भी ऊपर बह रही है। चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव के आयोजन के आदेश के जारी किए जाने के बाद तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से इस चुनावी मूड में नजर आने लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 30 अगस्त को पटना पहुंचने वाले हैं, जो कि पटना में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इस दौरे को लेकर वो बिहार भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं भाजपा के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने वाले हैं। इस बहाने वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, बल्कि पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति भी बनाएंगे। हालांकि जेपी नड्डा के बिहार के दौरे से ठीक पहले चुनाव की बागडोर संभालने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरटीपीसीआर जांच बढ़ाए जाने की कही बात। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरटीपीसीआर जांच को बढ़ाए जाने की बात कही है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिक संक्रमण वाले जिलों के साथ साथ दियारा और टाल इलाके में भी ज्यादा से ज्यादा जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए इसी बचाव की अग्रिम योजना और तैयार करने की बात कही है। कहा है कि आरटीपीसीआर जांच की संख्या को बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए आरटीपीसीआर मशीनों की और उपलब्धता जल्द से जल्द बिहार में करवाई जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा जांच होगी उतनी ज्यादा संक्रमितों की पहचान की जा सकेगी। इससे उनका सही समय पर उपचार हो सकेगा और साथ ही बाकी लोगों को संक्रमण से बचाया भी जा सकेगा। चुनाव के दौरान वोटरों को मुहैया करवाया जाएगा मास्क और ग्लव्स। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कोविड-19 के माहौल में यह देश में पहला चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदाता को पोलिंग बूथ पर ईवीएम का बटन दबाने के साथ ही हस्ताक्षर करने के लिए दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। बूथ में प्रवेश के पहले ही मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रत्याशी प्रचार आदि ऑनलाइन भर सकेंगे। का प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाएगा। घर घर प्रचार के लिए प्रत्याशी समेत 5 समर्थकों को जाने की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, ईवीएम बटन दबाने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर के लिए डिस्पोजेबल दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे। क्वारंटीन कोविड-19 मरीज मतदान के अंतिम घंटे में या डाक मत से वोट करेंगे। वहीं मतदाता को मतदान केंद्र पर पहचान के लिए अपना मास्क भी नीचे उतारना होगा। दिव्यांग, 80 के पार, बुजुर्ग, कोविड-19 और फिर क्वारंटाइन व्यक्ति डाक मत से वोट करेंगे। वोटिंग से एक दिन पहले सभी को सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही साबुन पानी और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग से तापमान अधिक निकला तो मतदाता को अंतिम घंटे में बुलाया जाएगा। चुनाव में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की भी लगाई जाएगी ड्यूटी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस समय बाढ़, बारिश और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। इससे अधिकारी कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं अब निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के तहत चुनाव में भी प्राधिकरण की ड्यूटी लगा दी गई है। कोविड-19 से चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से 21 अगस्त को जारी गाइडलाइन में प्राधिकरण को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की संख्या तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के माहौल में हर तरह के प्रचार में आमजन समर्थन, सुरक्षाकर्मियों की भीड़ के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, लेकिन रैली में लोगों की बढ़ती संख्या तय करने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है। यह प्राधिकरण को गाइडलाइन के तहत इन स्थलों के लिए लोगों की संख्या तय करेंगे। जदयू का नया इको फ्रेंडली कार्यालय बनकर हुआ तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू का नया इको फ्रेंडली कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। जदयू के नया कार्यालय के चारों तरफ पेड़ पौधे की कई प्रजातियां देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, कार्यालय के कैंपस में भी पीछे स्टोर रूम का निर्माण करवाया गया है, जहां पार्टी के झंडा, बैनर जैसी सामग्री रखने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, जदयू के वर्तमान कार्यालय के ठीक बगल में बने इस नए कार्यालय से 2020 चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और यहीं से हर तरह के मास्टर स्ट्रोक को भी तैयार किया जाएगा, जो सत्ता में फिर से वापसी के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। जदयू के लिए नए कार्यालय कई महीने से विशेष इसने ऑफिस में 10,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हॉल भी है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में हॉल में सबसे बड़ा है। इसके साथ ही यहां पर 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कार्यालय के अंदर और बाहर सुविधाओं और सुंदरता का खास ख्याल रखा गया है। कार्यालय के अंदर हॉल के अलावा सिर्फ 2 कमरे बनाए गए हैं। एक कमरा मुख्यमंत्री के आगमन पर और साथ ही फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए है, जबकि दूसरे में साउंड सिस्टम की पूरी व्यवस्था है। पटना एम्स में 92 साल की महिला ने कोविड-19 को दी मात।
जहां एक तरफ कोविड 19 के बुजुर्गों के लिए बेहद हानिकारक बताया गया है, वहीं पर टाइम्स में 92 साल की महिला ने कोविड 19 को मात देकर इस तथ्य को पूरी तरीके से गलत कर दिया है। जानकारी के अनुसार पटना एम्स में इलाज करा रही 92 साल के बुजुर्ग जोगेश्वरी देवी ने कोविड 19 को मात दे दी है। पटना के मिथिला कॉलोनी में रहने वाली जोगेश्वरी के कोविड 19 के संक्रमित होने से 26 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इनका यहीं पर इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। इसके साथ ही उन्हें अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जोगेश्वरी देवी पटना एम्स में भर्ती अभी तक सबसे बुजुर्ग 19 मरीज है जिन्होंने संक्रमण को मात दी है। जानकारी के मुताबिक जोगेश्वरी देवी को बीपी की भी शिकायत थी। इलाज के दौरान 5 दिन उन्हें आईसीयू में भी रखा गया था। उनके पुत्र आश्रम सिंह ने एम्स के डॉक्टरों की टीम का धन्यवाद किया है। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 29,75,000 के पार। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 से 69,878 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या 29,75,702 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड 19 की वजह से 945 लोगों की जान जा चुकी है और अब कोविड 19 के कारण देश में जान गंवाने वालों की संख्या 55,794 पर पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि कोविड 19 से ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। पिछले 24 घंटे में 63,631 मरीज ठीक होकर वापस लौट चुके और देश में कुल मिलाकर 22,22,577 मरीज कोविड 19 को मात दे चुके हैं। हालांकि अभी भी 6,97,330 मरीज अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां अभी भी 1,64,879 मामले सक्रिय हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना कितना कारगर साबित हो रहा है, कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।